इज वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल और खबरदार मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में कोई गालियां शालियां दी हैं तुम लोगों ने आई नो मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो में बड़ा कुछ बोला था कस्मे कस्में खाई थी कि हम लोग आज से रेगुलर पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो यार मेरी ये बात समझने की कोशिश करो मैं बहुत ही कोई अंत का सुस्त इंसान हूँ मैं नहीं पूरी दस मिनट की बैठ के वीडियो की शूटिंग कर सकता भाई मेरे में इतना खबर होता तो क्या ही बात थी हाँ ये जो ये वाली तुम लोग लाइटें देख रहे हो ना ये आज के लिए हमने स्पेसिफिकली जलाई है ताकि तुम लोगों को लगे मैंने थोड़ी सी मेहनत की है वीडियो बनाने में वरना रोज मेरे में नहीं हिम्मत होती है कि मैं इन दोनों लाइटों के नीचे से एक्सटेंशन के साथ कनेक्ट करूँ चलो यार मैंने मुझे भी अंदाजा हो गया मैं ज्यादा चवलियां मारने लग गया हूँ तो भाई हम अब अपनी तकरीर का आगाज करते हैं आज का जो हमारा तकरीर का मौजू है वो है रमजान का बबरकत महीना और उसमें लोगों की मारे जाने वाली चवलियाँ देखो भाई सबसे पहला जो मेरा मसला आता है ना ठीक है वो आता है जी हमारे जो जी बनते हैं ग्रुप चैट्स बनते हैं रमजान के महीने में जो नहीं पता तुम लोग इनमें ऐड होते हो गे नहीं लेकिन मैं जो तो डेढ़ सौ ग्रुपों में डेढ़ सौ बंदा ऐड करके बैठा हुआ होता है भाई तो उस ग्रुप्स में सारे रैंडम बंदे ऐड होते हैं कोई एक बंदा दूसरे बंदे को नहीं जानता होता तो एक हफ्ते गपशप के बाद वो एक दूसरे के ऐसे लंगोटिए यार बन जाते हैं है जितना पता नहीं है कि पजामे के अंदर पैदा हुए थे दोनों मतलब यार मुझे पता है तुम्हें घर में कोई इतना मुंह नहीं लगाता जितना तुम उस ग्रुप में बैठी हुई अपनी बहनों को मुंह लगा रहे हो फोन अपने आप यूज करके साइड पे रखो तड़ान 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 मा जाएगी पता नहीं कौन सी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है कोई जंग हो गई है कोई यहाँ पे क्या आने वाली है उसकी निशानी जाहिर हो गई है और जब आप फोन उठा के देखो पांच मिनट के अंदर एक हजार से ज्यादा मैसेज आए हुए होते हैं भाई क्या इतने वेले कौन सो तुम कौन सी इतनी गप्पे मारनी है भाई तब जितने तुम बैठ के ग्रुप में मैसेज पढ़ रहे हो इतनी किताबें पढ़ लेते हो तो आज तुम पता नहीं किधर पहुंचे हुए होते कसम से भाई ये भी नहीं कि रमजान के लिए ग्रुप बना रहे तो कोई ईमान की बातें बीच में हो रही होंगी एक ईमान को दूसरा कोई हमजा फंसा के बैठा हुआ होता है अपने बच्चे गिन रहे होते हैं कि हम कितने बच्चे पैदा करेंगे तुम लोगों ने करनी है, तो करते मुझे, मुझे नाइन ग्रुपों में किया करो भाई। मतलब एक टाइम में दस दस ग्रुपों में डाल के बिठा देंगे मुझे, और लड़की की छड़की है।, है किसी और साथ रोने धोने सुना है तीसरे ग्रुप में जो है फजूल के फटे हो रहे हैं रैंडम बंदे को किसी को ग्रुप में ऐड कर लिया उसे बैठकर सारे गालियां दे रहे हैं मतलब हमें अंदाजा है आपको रमजान में अफतारी से कोई काम नहीं है लेकिन देखो

ना ही मेरे से कुछ तरह की माफी एक्सपेक्ट करे और मैंने अगर कोई बगैरती किया तो तुम वो डिजर्व करते थे यार तुम लोग को लग रहा हो मैं कोई बहुत गुस्से में आके वीडियो बना रहा हूँ बट आया हूँ मैं गुस्से में सही मन बगैरती के बाद से फिर कुछ वो लोग भी आते हैं जो सिर्फ रमजान के पहले अशर के लिए मुसलमान होते हैं जो पता है इस बात में मुझे बहुत ज्यादा हेट भी आना है और मुझे कमेंट्स भी गंदे मिलने हैं बट यार ये वाला असी नसल में होता है मानना तो तुम लोग को पड़ेगा खुद बैठ के पूरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से गाने सुन रहे हैं मुजरे देख रहे हैं और जैसे ही कोई भी बंदा गाने वाली कोई स्टोरी लगा दे या फिर किसी और की वो पुरानी पोस्ट ही देख लेना गानों वाली तो ऐसा अंदर का मौलवी जागता है ना कि ऐसी तब्लीक करना शुरू हो जाते हैं कि जिस तरह उनसे बड़ा तो कोई था ही नहीं मुसलमान पहले भी देखो यार मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये वाली हरकत करू मैं खुद भी नहीं कर रहा मैं खुद भी जो ना अवॉइड करूं गाने शाने लेकिन देखो मेरा ना तुम लोग के लिए पब्लिक सर्विस मैसेज है अगर तुम लोग को गानों शानों से इस तरह नॉन इस्लामिक चीजों से इतना ज्यादा मसला होता है ना एटलीस्ट एक महीने के लिए सोशल मीडिया डिलीट कर दो क्योंकि यहाँ पे तुम लोग इस तरह की चीजें मिलेंगी मिलेंगी अगर तुम लोग चाह रहे हो ना कि इन चीजों में ना पड़े रमजान के महीने में, तो मतलब तो में जाना है उस बंदे ने अपनी खबर में जाना है ठीक है जो तुम्हारी तबली फजूल की करने का, उस बंदे को ना कोई फायदा होगा ना कुछ होगा क्योंकि तुमसे पहले डेढ़ बंदा पहले कर चुका होता है यार बल्कि इन बातों को भी दफा करो मैं तुम लोग को बताता हूँ जो सबसे बड़ा मसला है जो इस महीने में लोग करते हैं मैंने तुम्हारी सहरी और रफ्तारी की स्नैप्स तुम रहते हो लाहौर में मैं रहता हूँ पिंडी में हमारा तुमसे पंद्रह बीस मिनट बाद जाके अफतारी होनी है तुम्हें पता नहीं कौन सा इतना बड़ा सात मुंह वाला कीड़ा जो मरने का नाम नहीं ले रहा मतलब यार मेरी बात सुनो तुम्हें भी पता है टाइम पे रोजा कितना लग रहा होता है मतलब मैं अपने साथ बैठे हुए बंदे को खा जाऊँ लेकिन नहीं तुम्हें तो बड़ी गंदी वाली खुरक है तुमने मुझे अपनी अम्मी के जहेज के फूलों वाले बर्तनों के अंदर सैरी और अफतारी की तस्वीरें भेजनी है इनको छोड़ो उन पे आते हैं जिनको पता है आपका रोजा है और जान के बीच में खाने पीने की तस्वीरें भेज रहे होते हैं मतलब कोई दीन मान नहीं है तुम लोग का मतलब मुझे समझ नहीं आती खुरक कौन सी है ये हाँ तो यार अपुन जो है ना रोजे रख रख के सुन हो चुका है ठीक है आज के लिए इतनी एनर्जी थी हमें तो हाँ दिस वॉज द यूट्यूब वीडियो गो एंड लाइक दिस वीडियो अगर तुम लोग को मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है सारा कुछ हाँ जी इसके बाद से हम लोग रेगुलर होने की कोशिश करेंगे अगर हमें आइडियाज आ गए तो भाई कमेंट सेक्शन ओपन है तुम लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो मुझे बताओ लव योअर और रमज़ान के बाबरकत महीने में बगैरतियों से गुरेज करे हाँ यार मुझे भी नहीं पता चला ये वाली लाइटें पीछे कब बंद हुई है मेरी जिंदगी में जिस तरह ऐसा आधेरा होता जा रहा है ना इस तरह मेरे कमरे में भी होता जा रहा है आज से पहले ये वाली सारी लाइटें भी बंद हो बाय बाय रमजान